हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन चटनी। आप इसे कबाब, बारबेक्यू या कोई भी स्टार्टर्स हो या रोस्टेड पापड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है हरा धनिया, और आप खास ध्यान रखें थोड़ी स्टेम के साथ आपको लेना है। आप देख सकते हैं ये मैंने स्टेम को रहने दिया है, और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए आइस वाटर में रख दूंगी। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 25 से 30 ग्राम जितना पुदीना, ये भी ठंडे पानी में रख देंगे। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। मिर्ची का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5-6 ले रही हूँ। इसे भी मैं टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। इसी के साथ इसमें जाएगा अदरक, यहाँ पे मैं एक टुकड़ा ले रही हूँ और इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट इसे ठंडे पानी में रहने देंगे और बीच बीच में हिलाएंगे। अब इसे हम मिक्सर जार में रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक दो टुकड़े आइस के भी अंदर रखे हुए हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा काला नमक, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून काला नमक ले रही हूँ। चाट मसाला भी 1 टीस्पून ले रही हूँ। आधा छोटा चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना। इसी के साथ इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा, 2 टेबलस्पून मूंगफली, लेमन जूस यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं दही, यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। अब इसे मिक्सी में क्रश कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1/4 कप गाढ़ा दही डाल रही हूँ और इसे जस्ट हल्का सा चर्न करेंगे। ज़्यादा देर इसे चर्न नहीं करना है, जस्ट एक बार चालू करके तुरंत ही बंद कर देंगे। बस इतना ही करना है। आप देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी बढ़िया रेडी हुई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। चटनी हमारी रेडी है। आप इसे कबाब, बारबेक्यू, स्टार्टर्स या रोस्टेड पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।